अनसीन पैसेज। हाँ दोस्तों, अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करें, स्वागत है दोस्तों आपका एपीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करें, यानी कंप्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करें। बिल्कुल देखिए दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए, अनसीन पैसेज आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं, एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीएससी का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं दोस्तों, सीसेट के पेपर में, हर पेपर में आपसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज पूछा ही जाता है। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आपके इंग्लिश के पेपर में अनसीन पैसेज जरूर से दिया जाता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अनसीन पैसेज की डिमांड हमसे क्या होती है, अनसीन पैसेज हमारे अंदर क्या चेक करने जाता है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, अनसीन पैसेज जो है वो हमारी इडियम्स की, फ्रेजेस की, वर्ब की, बिल्कुल दोस्तों नॉलेज और वोकैब, यानी आपके पास शब्दकोश कैसा है, आपके पास वर्ड्स कितने सारे हैं, इनको चेक करता है। बिल्कुल दोस्तों, और इसमें सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम से रिलेटेड, वर्बल फ्रेजेस से रिलेटेड का भी अर्थ पूछा जाता है, जो कि आपको पैसेज में दिया होता है, आपको उसमें फाइंड आउट करके आंसर को निकालना होता है। सबसे पहले जान लीजिए, बिल्कुल दोस्तों देखिए, दो तरह के पैसेज होते हैं आपके पास, लेंदी पैसेज होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट पैसेज। लेंदी का मतलब जो बड़े वाले होते हैं, जैसे जिनमें ज्यादा वर्ड होते हैं, जिनमें 400-500 से ज्यादा वर्ड होते हैं। शॉर्ट पैसेज का मतलब है 200-400 के बीच में छोटे कम वर्ड्स रहते हैं, उनको हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। बिल्कुल दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप के। बोर्ड परीक्षा में हमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के पूछे जाते हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम में भी हमें डिस्क्रिप्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों आप कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे आप कैट की परीक्षा देंगे, बैंक की परीक्षा देंगे, एसएससी की परीक्षा देंगे, आप बोर्ड एग्जाम देंगे, इनमें कई सारे पैसेज आते हैं, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 2, तो इस तरह से आते रहते हैं। आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए दो तरीके से दोस्तों आप जान लीजिए, एक तो आपके पास जब आपके पास समय कम हो वो आपको करना है, दूसरी बात जब आपके पास समय अधिक हो तब आप कैसे सॉल्व करें। पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके पास समय कम हो तो आप कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आप पैसेज को पहले पढ़ लीजिए, तेजी से स्पीडली आप उसको पढ़िए। इसके बाद जैसे ही किसी प्रश्न का उत्तर आपको दिखाई दे, पहले प्रश्न को भी देख लीजिए, जैसे ही किसी प्रश्न का उत्तर दिखाई दे आप वहां मार्क करके तुरंत आंसर लिख करके आगे बढ़ जाइए। ये तो दोस्तों आपकी स्पीडली आपको तेजी से करने वाली टेक्निक है। लेकिन जब आपके पास समय है, जैसे आप अपनी बोर्ड परीक्षा में बैठे हैं तो आपके पास जब समय है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको पूरा पैसेज पढ़ लेना है, इसके बाद प्रश्नों को भी पढ़ लेना है, देखना है आपको किन किन प्रश्नों के आपके उत्तर मिले हैं, जहां नहीं मिले आपको फिर दोस्तों अगली बार पैसेज पढ़िए। जैसे ही आप दो बार पढ़ेंगे पैसेज, आपको उस पैसेज का आइडिया, उसकी थीम क्लियर हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है, तीसरी बार आप फिर से पढ़िए। और बिल्कुल दोस्तों आपको जैसे ही मिलता जाए आप उस पैसेज पे नंबरिंग करते चलिए अपने क्वेश्चन पेपर पे, और आंसर को लिखिए। और मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता दूं कि आपको दोस्तों क्या नहीं करना है अनसीन पैसेज को सॉल्व करते समय, आपको क्या नहीं करना है जब आपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिख रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों आपको बिकॉज या देयरफॉर, इन सब चीजों से अनसीन पैसेज को कभी शुरू नहीं करना है, ये आपकी ग्रामेटिकल एरर को दर्शाता है। दूसरी बात, आपको इरिलेवेंट बातों से बचना चाहिए दोस्तों, इरिलेवेंट बातें जो होती हैं, यानी अनावश्यक बातें जो आपकी हैं, बचना चाहिए आपको इनसे। दूसरी बात, पैसेज जो है आपको आंसर जो है पैसेज के अंदर से ही लिखना है, खुद से सेल्फ आंसर लिखना नहीं है, बिल्कुल ग्रामेटिकल आपको करेक्टली लिखना है, टू द पॉइंट। और दोस्तों ध्यान दीजिए, अनसीन पैसेज में आपको कथा नहीं लिखनी है, आपको बहुत लंबा आंसर नहीं लिखना है, आपको टू द पॉइंट, जितना आंसर आप शॉर्ट लिख सकते हैं, जितना ब्रीफ लिख सकते हैं, जितना टू द पॉइंट लिख सकते हैं, जितना पैसेज के अंदर से लिख सकते हैं, अपने से आपको आंसर क्रिएट नहीं करना है। आपको अनसीन पैसेज इसीलिए दिया जाता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर उसी में दिया हो, आप उसी में से आंसर लिख पाए। पैसेज को दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी वोकैब, आपका शब्दकोश, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, एक्सप्रेसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी, एनालाइजिंग एबिलिटी और राइटिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये दोस्तों अगर आपके पास है 4-5 गुण, तो आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एनालाइज करना, दोस्तों अगर आप एनालिसिस अच्छा कर रहे हैं पैसेज का, तो आप पैसेज में कभी गलती नहीं करेंगे। अब मैं अपने बोर्ड के स्टूडेंट को कुछ टिप्स देना चाहूंगा, ये तो बात दोस्तों कम्पिटेटिव और बोर्ड दोनों की हो रही थी, अब मैं अपने बोर्ड के परीक्षार्थियों को कुछ देना चाहूंगा टिप्स। दोस्तों मैं जनरली क्या करता था अनसीन पैसेज में, मैं आपसे बता दूं, मेरा एक भी नंबर अनसीन पैसेज में नहीं कटा था जब मैंने एग्जाम दिया था इंग्लिश का। उसका रीजन था दोस्तों, मैंने पहले पैसेज को पढ़ लिया
और क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन के हिसाब से खोजना शुरू किया, वो लाइंस कुछ सिमिलर मिलती थी तो मैं उसमें जाता था। क्योंकि दोस्तों आपको कई सारे सेक्शन करने होंगे, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, और दोस्तों आपको नॉवेल का भी सेक्शन रहेगा, तो आपका पेपर बहुत लेंदी होता है, आप इस पे ज्यादा समय न वेस्ट करें। और दोस्तों रीडिंग सेक्शन सबसे स्कोरिंग सेक्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको आंसर दिया होता है, आपको उसी में से खोज कर निकालना है। तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन के हिसाब से पैसेज को देखना है, अगर आपको क्वेश्चन मिला तो उससे रिलेटेड पैसेज पर आप चले जाइए। इसी तरह से आपको करना है, आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व करेंगे, अच्छे से करेंगे। और अगर आपको मान लीजिए कोई शब्दकोश आपको कोई वोकैब नहीं आ रहा है, उसमें कोई पूछा आपसे सिनोनिम एंटोनिम पूछा, तो आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। उस लाइन को आप पढ़िए जहां से वो सेंटेंस पूछा गया है, वो लाइन आप जब 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में उसका वर्ड आ जाएगा और आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, लिख पाएंगे। इसी तरह से आपको करना है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए शॉर्ट पैसेज ही पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में ज्यादा, जनरली आपके 200-250 से वर्ड की पैसेज होंगे, इतने बड़े बड़े पैसेज आपसे नहीं पूछे जाएंगे। हम दोस्तों आपको अगर अनसीन पैसेज आपको अगर लिटरेचर में देता है, पोएट्री में देता है, अब मैं बात करता हूं कि पैसे आपसे पूछे कहां जाते हैं। दोस्तों पैसेज कहां से लिए जाते हैं, सबसे पहले दिमाग में आपके क्वेश्चन आता होगा कि सर पैसेज तो मैं जब पेपर पढ़ता हूं, सैंपल पेपर पढ़ता हूं, तो मैच ही नहीं करते। देखिए दोस्तों वो लोग पैसेज उठाते हैं किसी इशू पर, किसी मुद्दे पर उठाते हैं, जैसे अभी मान लीजिए कि RTI है, या फिर आपका डेमोक्रेसी पे कुछ चल रहा है, आपका इंडिया पाकिस्तान रिलेशन है, इंडो चाइना रिलेशन है, उस पर उठा लेंगे। तो अनसीन पैसेज को स्ट्रांग करने का तरीका क्या है दोस्तों, आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ा करिए, खासकर द हिंदू है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, या फिर दैनिक जागरण है, इनके जो पैसेजेस हैं आप इनको पढ़ना शुरू करिए, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, वहीं से पैसेज उठाए जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, यहीं से वो पैसे उठाते हैं। तो जब आप इन पैसेजेस को पढ़ेंगे, अपनी वोकैब को अच्छा करेंगे, अपने शब्दकोश को अच्छा करेंगे, अपनी एक्सप्रेसिंग पावर को, अपनी एनालाइजिंग पावर को, अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को आप अच्छा कर लेंगे, तो आप कॉम्प्रिहेंशन में दोस्तों आप साहस हासिल कर लेंगे, और ये जो आप साहस हासिल करेंगे ये आपको बोर्ड एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों बिल्कुल करने वाला है, और आप बहुत अच्छा करने वाले हैं दोस्तों, इस बात की उम्मीद है। तो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, अनसीन पैसेज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, मैंने इसमें दोस्तों हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा, और दोस्तों बहुत जल्द आपकी अंडरस्टैंड आपकी बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है दोस्तों, तो बिल्कुल आप उसके लिए तैयार रहिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।